वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस। द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 8.3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जैसे देखा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। इसके लिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे a की वैल्यू को फाइंड आउट करा रहा है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं वैल्यूज को 90 में से माइनस करके, तो इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो 90 माइनस वाले अप्लाई होंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले चेंज करना है sec को, तो sec को चेंज करके 90 माइनस वाले फॉर्मूले को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cosec 90 माइनस, और देखो इसमें एंगल की जगह पे कितना दिया हुआ है 4a, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इससे होगा क्या, cosec से कटेगा, cosec बचा क्या 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, ध्यान से सुने सभी, इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें जिस किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि a b c d x y z, जिस किसी की भी वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमें उसमें करना कैसे होता है, जो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको तो कर लो एक साइड और बाकी सबको कर दो एक साइड, ठीक है ना। एक साइड करने का मतलब क्या हुआ, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लो सबको या राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 4a, अब a देखो यहाँ पे कैसे प्लस का, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस का 20 डिग्री। और देखो 90 कैसा है, यहाँ पे 90 है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस का 4a और माइनस का a। कई बार यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, माइनस का 4a और माइनस का a, इसे कर देते हैं प्लस का 5a, जो कि हो जाता है आपका गलत। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे माइनस और माइनस प्लस होता है, ऐड करने पे माइनस और माइनस प्लस नहीं होता। अब देखिए माइनस का 4a और माइनस का a, यानी कि 4a भी माइनस की कैटेगरी का है और a भी माइनस की कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो माइनस की कैटेगरी के 4 हियर, 1 हियर, तो कितने हो गए 5 हो गए, कौन से माइनस की कैटेगरी वाले। ऐसे ही माइनस के 20 ईयर और माइनस के 90 ईयर, तो 90 और 20 कितने हो गए माइनस का 110, ये कटा, ए इक्वल्स टू कितना आ गया 110/5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10 और 5 2 10, तो ये आया हमारा आंसर। एकदम बेहतर तरीके से आराम से समझे, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम भी जल्दी से ग्रो करें, हमारा चैनल भी ग्रो करे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा ध्यान से करना है क्वेश्चन नंबर 6 को, एक एक डिटेल में आपको कराऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे उसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इसे एक दो बारी आपको प्रैक्टिस करके जरूर देखना है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला क्या गया है, कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। तो इसमें बोला क्या गया है, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है ठीक है, ट्राइंगल के हमें पता है तीन एंगल होते हैं ए बी और सी। तो इसने पहला एंगल बता दिया ए, दूसरा एंगल बता दिया सी, तीसरा एंगल बता दिया सी, ठीक है ना, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। तो इसमें बोला गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, अब देखो हमें इसे प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो गिवन हमें क्या गया है, गिवन हमें है अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद थ्री एंगल्स, विद थ्री इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, थ्री इंटीरियर एंगल्स ए बी एंड सी, ठीक है ना। किस तरीके से लिखेंगे इसे, एक त्रिभुज, ठीक है ना, एक त्रिभुज जिसके अंतः कोण, जिसके अंतः कोण कौन कौन से है, ए है बी है एंड सी, ठीक है ना। अब देखो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यानी कि हमें ये सिद्ध करना है, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, कॉस ए अपॉन टू, ठीक है। अब हम देंगे यहाँ पे अपना प्रूव, ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं उपपत्ति, ठीक है। अब इसमें देंगे हम अपना प्रूफ, ठीक है। तो कई बार होता क्या है, इस तरीके की संख्या को देखकर बच्चे हो जाते हैं हॉपलेस, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चंस जितने खतरनाक दिखते हैं ना उतने ही आसान होते हैं। अब देखिए इसको, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसमें बोला गया था अ ट्राइंगल विद थ्री इंटीरियर एंगल्स ए बी एंड सी। तो हम सभी को पता है और हम काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो ये होता है कितने डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें तीनों एंगल्स कौन कौन से दे रखे हैं, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी है और तीसरा एंगल सी है, और ये सब कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, ठीक है ना। कितने डिग्री के होते हैं, ये सब होते हैं 180 डिग्री के। तो अब हमें अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रूव करना है ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी और यहाँ पे क्या है ए। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों साइड को 99 2 2 से डिवाइड कर दो। तो कैसे लिखेंगे इसमें, बाय डिवाइडिंग बाय टू इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों को, अरे बात मत करो भाई, दोनों पक्षों को दो से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, ठीक है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा ए बाई टू, ये वाला कितना हो जाएगा बी बाई टू, ये वाला कितना हो जाएगा सी बाई टू, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा 180 बाई टू, ठीक है ना। अब देखो हमें इसमें करना है क्या है, हमें वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए b प्लस सी और यहाँ पे क्या चाहिए a। तो b प्लस सी को रहने दो इधर, ठीक है ना, b अपॉन टू और c अपॉन टू, इसे रहने दो इधर, और 180 बाई टू कितना बन जाएगा 90 और ये माइनस का a अपॉन टू, ठीक है ना, a अपॉन टू। उसके बाद देखो यहाँ से लेते हैं इसका कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और ऊपर क्या बना b प्लस सी, ठीक है ना।
और ये क्या बन गया 90 माइनस ए बाई टू। अब क्या करो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, तो बाई मल्टीप्लाई बाय साइन इन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, इतना ही कवर है इसमें, ये सारा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसके अंदर, ये साइन बी प्लस सी अपॉन टू। अब देखो एक जो फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या वैल्यू दी हुई इसमें, ए बाई टू, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में इसी प्रकार के और भी वीडियोस आते रहेंगे मैथ्स के सॉल्यूशन से संबंधित। और सब्सक्राइब करने के साथ एक यहाँ पे बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से करते रहिए प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।